नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान में हथेली पर सिमियन रेखा क्या होती है और कहां और कैसे बनती है। वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। चलिए आगे शुरू करते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में तीन मुख्य रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। कुछ लोगों में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक ही रेखा में ओवरलैप हो जाती हैं, जिससे ये दो रेखा एक रेखा बन जाती है। इसे ही सिमियन रेखा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों के पास केवल दो मुख्य रेखाएं ही होती हैं, जबकि अन्य लोगों के हाथ में तीन रेखाएं मुख्य होती हैं। आंकड़ों के अनुसार यह रेखा लगभग 10% लोगों के एक हथेली में पाई जाती है और सिर्फ 3% लोगों के दोनों हाथों में होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 80% लोगों में यह रेखा अनुवांशिक यानी जेनेटिक ही होती है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि पुरुषों में सिमियन रेखा धन बनाने की क्षमता का प्रतीक है, और वास्तव में करियर के दृष्टि से देखा जाए तो कई सफल पुरुषों के पास सिमियन रेखा होती है, और महिलाओं के लिए ऐसी रेखा कठिन जीवन, परिवार जनों के लिए दुर्भाग्य और तलाक की ज्यादा संभावना को दिखाता है। सिमियन रेखा वाले लोगों में बुद्धि और भावुकता दोनों होती है। वे बुद्धिमान, स्मार्ट, आत्मविश्वासी, सक्षम और स्नेही होते हैं। उनके पास एक अच्छा निर्णय और स्पष्ट दृष्टिकोण होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उनका यही सकारात्मक और निर्णायक चरित्र उनके करियर के ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा ऐसे लोग एनर्जी से भरे हुए, एक्टिव, क्विक थिंकर, मतलब हर स्थिति के लिए एकदम तैयार रहते हैं। उनमें से अधिकतर लोग समाज में आगे आकर लोगों की मदद भी करते हैं, भले ही लोग उनकी मदद करें या न करें। ऐसे लोग कुछ महान कार्य भी कर सकते हैं, और यदि हथेली मोटी और मुलायम हो तो यह और भी अच्छा हो जाता है। इस तरह की हथेली आमतौर पर प्रसिद्ध उद्यमियों, अधिकारियों और सेलिब्रिटीज में देखी जाती है। अब कमियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। वे गुस्सैल, जिद्दी, रूढ़िवादी और सेल्फ डिपेंड होते हैं। यदि दोनों हथेलियों में सिमियन रेखा हो तो ऐसे लोग इतने सीधे और आउटस्पोकन होते हैं कि वे किसी भी बात पर बहस कर सकते हैं, और जब तक उनके हिसाब से कार्य ना हो जाए तब तक कभी नहीं रुकते। हालांकि इसी नेचर की वजह से कई लोग बड़ी मुसीबतों और संकटों में पड़ जाते हैं, जैसे कि मुकदमा और कारावास तक की भी स्थिति पैदा हो जाती है। और अगर व्यक्ति की हथेली सूखी और बोनी है और साथ ही सिमियन लाइन भी है, तो व्यक्ति और भी अधिक भावुक और सेंसिटिव हो जाएगा। सिमियन रेखा वाले लोग प्यार और नफरत दोनों करने की हिम्मत रखते हैं। यदि एक बार रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो प्रेमी को जीवन भर खुश रखने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वो प्यार करना बंद करते हैं या उनका पार्टनर उनसे बात नहीं करता या झगड़ा करता है तो व्यक्ति अपने को सही दिखाने के चक्कर में अपने साथी के संग काफी बदतमीजी कर सकते हैं और किसी भी लेवल तक उतर सकते हैं। समाज में अपने रिश्ते को शर्मनाक बनाकर रख देते हैं। यदि नॉर्मल व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ता है तो आपको 10 बार सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही शंकालु प्रकृति के होते हैं और शायद ही किसी पर 100% भरोसा करें। मैंने यही देखा है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा बेटर सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर करियर ओरिएंटेड रहते हैं। वे अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं रिश्तों के प्रति ज्यादा गंभीर होती हैं, इसलिए कुछ केसेस में वे अपनी हद से भी बाहर निकल जाती हैं। ऐसे ही मेरे अनुभव में एक केस था जिसमें महिला ने पुरुष के साथ झगड़ा कर तलाक लिया था, और इसी जगह वही महिला अपने करियर में अपने पति से भी ज्यादा अच्छी स्थिति में थी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिन हाथों में सिमियन लाइन होती है, ऐसे लोग अपने करियर के प्रति बहुत वफादार और समर्पित होते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। सिमियन रेखा वाले व्यक्ति ईमानदार, सक्षम, अत्यधिक जिम्मेदार और वफादार होते हैं, और दूसरों के कार्य को भी अपना काम समझकर करते हैं।
ऐसे लोगों में करियर के लिए अपने ही कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए हुए होते हैं और उसी के हिसाब से सभी को चलाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही करते हैं, अपने जीवन काल में समाज के लिए कुछ विशेष कर देते हैं जिससे सबका भला होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।